एक प्यारा सा प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ रहा है। डाटा सफिशिएंसी टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी टेस्ट का ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। नीचे एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या कौन से कथन पर्याप्त है। ठीक है, कथन एक है, कक्षा में 25 छात्र है। कथन एक क्या है, कक्षा में 25 छात्र है, टोटल छात्र है 25। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो अच्छा बताइए कि कह रहा है इसमें कक्षा में रश्मि की रैंक क्या होगी। प्रश्न यह है कि कक्षा में रश्मि की रैंक क्या होगी, और कथन एक कह रहा है कि टोटल 25 गो छात्र है, तो 25 गो छात्र में रश्मि कहाँ है यह तो ज्ञात नहीं है, तो क्या हम इससे निकाल सकते हैं आंसर? नहीं ना निकाल सकते हैं। दूसरा है कि 8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है। हाँ, 8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है, लेकिन अब मान लीजिए ई नहीं दिया हुआ रहता, केवल दिया हुआ रहता कि 8 छात्रों का अंक रश्मि से कम है, ई नहीं दे के केवल ई दिया हुआ रहता कि 8 छात्र का अंक रश्मि से कम है, तो रश्मि का क्रमांक कहना है सूत्र ज्ञात पर कर पाते, क्योंकि 8 गो से ऊपर है लेकिन उससे पहले कै गो है यह तो ज्ञात नहीं कर पाते। तो केवल ई लेंगे तब भी नहीं बनेगा, केवल ई लेंगे तब भी नहीं बनेगा। अब दोनों अगर ले लेते हैं, दोनों निष्कर्ष, दोनों कथन ले लेते हैं कि 25 गो छात्र है, 8 गो रश्मि से नीचे है, तो ये नीचे से 9वां होगी। ठीक है, आई 9वां होगी या टोटल 25 गो छात्र है, तो इसके ऊपर कै गो होगा, तो 16 गो, तो ऊपर से इसका क्रमांक कैमा हो जाता, तो 17वां। तो जब दोनों लेते हैं तब बनता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों कथन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ पर बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? अच्छा, एक वस्तु को 4% और 8% के लाभ पर बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। अब विक्रय मूल्य का ही अनुपात पूछ रहा है, तो अगर दोनों दोनों तो एक एक वस्तु का बेच रहा है, एक बार 4% लाभ पर, एक बार 8% लाभ पर, तो एक बार उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य 104, 100 रुपया अगर क्रय मूल्य मान लिए तो, एक बार हो जाएगा 108। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 3 की कोई आवश्यकता है? मेरे समझ से तो 3 की कोई आवश्यकता नहीं है, 26 चौका 104 और 27 चौका 108, तो 26:27, दोनों के विक्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है, बहुत आसान है ना। ये कह रहा है कि 4% लाभ पर बेचा, फिर वही सामान को एक बार 8% लाभ पर बेचा, कह रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर। अब 3 रुपया का अंतर हम नहीं भी हम लेंगे जब विक्रय मूल्य का ही रेशियो पूछ रहा है, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? आराम से बन जाएगा। ठीक है, पाइप एंड टंकी का प्रश्न है, और देखिए जब दोनों भरने वाला रहता है, जब दोनों नल भरने वाला रहता है तब भी वैसे ही बनेगा जब दोनों नल खाली करने वाला हो। जब सभी नल भरने वाला हो या फिर सभी नल खाली करने वाला, दोनों सेम प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, तो प्रश्न है कि एक पानी के टैंक में 2 छिद्र है, पहला छिद्र अकेला टैंक को 8 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र अकेला टैंक को 12 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है तो दोनों छिद्रों से एक साथ पानी रिसने पर बर्तन कितने मिनट में खाली हो जाएगी? एगो 8 मिनट में, एगो 12 मिनट में खाली करता है, दोनों के लॉस कितना आ जाएगा? 24। इस ई हो जाएगा, ई खाली करेगा 24 लीटर अगर टैंक में पानी अटता है, आई 8 मिनट में खाली करता है तो 1 मिनट में कई लीटर खाली करेगा? 3 लीटर। आई 24 लीटर अगर टैंक में पानी है, आई 12 मिनट में खाली करता है तो 1 मिनट में 2 लीटर, तो ये दोनों मिलकर एक के मिनट में 5 लीटर खाली करेगा, तो 24 लीटर खाली करने में इसको कितना देर लगेगा? तो 4 पूर्णांक 4/5, सेम प्रोसेस से बनेगा अगर दोनों नल भरने वाला हो चाहे दोनों नल खाली करने वाला हो। दू गो क्या, तीनों नहीं, तीन भी नल हो और तीनों खाली करने वाला है चाहे तीनों भरने वाला है, तो सेम प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, 2 बसें एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है, 2 बस है, एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू किया। ठीक है, और एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, दोनों की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब कह रहा है विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल से चलना होगा जिससे वह दोनों बसों से 3 मिनट के अंतराल पर चले मिले। तब
बूढ़ी माँ जो है 3 मिनट के अंतराल पर मिल रही है, जो महिला है वह 3 मिनट के अंतराल पर मिले बस से, दोनों बस से। इसका मतलब बूढ़ी माँ की चाल एक्स मान लिए और ये बूढ़ी माँ का 3 मिनट में जो तय दूरी होगा बस द्वारा, 5 मिनट के अंतराल पर चली, 3 मिनट के अंतराल पर मिल रही है, इसका मतलब बस द्वारा 2 मिनट में तय दूरी के बराबर होगा। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल माने हैं, ये 3 मिनट में है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए। ठीक है, अब इस तरह से हम निकालेंगे तो आ जाएगा x बराबर 10 × 20/3 यानी 6 पूर्णांक 2/3। बूढ़ी माँ की चाल कितनी हो जाएगी? 6 पूर्णांक 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, श्री राम 14,000 रुपए एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित है। तो 6 महीना में उसको कितना परिपक्व राशि मिलेगी, यही ना कह रहा है, और दर है 20% वार्षिक। तो 20% वार्षिक, तो छमाही 10%, छमाही 10%, तो तिमाही 5%, यानी दर हो गया 5%। ठीक है, दर हो गया 5%। क्लियर है? अब 5% दर का फ्रैक्शन तो 1/20 होगा, तो 1/20 होगा 6 महीना में, तो 2 तिमाही बीतेगा, 6 महीना में परिपक्व हो जाना है, तो 6 महीना में 2 तिमाही मिलेगा, मिलेगा तो 20 के 2 तिमाही मतलब समय हो गया 2, तो 20 के स्क्वायर 400 यूनिट हम मान लिए मूलधन, ई 20 का स्क्वायर। अब इसका 1/20 ब्याज मिलेगा पहला साल, इसका 1/20, तो 20, अब फिर अगला साल फिर इसका 1/20 मिलेगा, तब 20। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि पहला बेर जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो फिर इसका 1/20 मिलेगा, तब एक ना, तो कुल राशि कितनी हो, तो 400 और 20 20 40 और 1 41, तो 441 यूनिट। अब इसमें आपको दिए हुए है कि श्रीराम 14,000 रुपए एफडी करता है, इसका मतलब 400 यूनिट का वैल्यू है, 400 यूनिट का वैल्यू है 14,000 रुपया, तो 441 यूनिट के वैल्यू जो होगा वही ना टोटल उसको परिपक्व राशि मिलेगी, जो मूलधन था 100 मिलेगा अब ब्याज मिलेगा, तो 441 यूनिट का मान निकाल दीजिए, 2 सुना से 2 सुना कट गया, 4 से इसको काट दीजिए, तो 35 चौका 140, तो 35 से इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 35 से गुना कीजिएगा तो इस तरह से राशि आ जाएगी 15,435, 15,435। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? देखिए, कितना भी भुजा वाला बहुभुज उसके सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो सभी बाह्य कोण का योग 360 होता है, तो माना कि n गो भुजा है, तो प्रत्येक बाह्य कोण n से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, और वो कह रहा है कि 10 डिग्री है, तो 0 से 0 कट गया, तो n बराबर, तो उसमें भुजा की संख्या कितनी है? 36। बहुत आसान है, किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोण का योग 360 होता है, और सभी बाह्य कोण का योग 360 है, योग 360 है, एन भुजा है, तो एन से भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा, और वो कह रहा है कि 10 डिग्री है। ठीक है, तो n बराबर 36 आ गया। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।